छोटे से सफर की कहानी की शुरुआत एक नजर से हुई, नजर जिसमें मासूमियत थी, जो मेरी नजरें साफ देख पा रही थी। वो देखना चाहता था कि उसके पीछे बैठी सवारी में ऐसा क्या है जो उसे बार बार देखने पर मजबूर कर रही है। मन ही मन में वो मुझे अपने बिस्तर तक ले जा चुका था और वो मेरे साथ सब कुछ कर लेना चाहता था जो उसने बरसों तक किसी के साथ नहीं किया। पता नहीं कैसे मर्दों की तो मुझे खुशबू आ जाती है। कौन कहां तक जाएगा और कौन कहां ले जाएगा। मैडम, आपका लोकेशन आ गया। ओह, कितना हुआ? वैसे तो 1500 हुए मैम, पर आप 1200 ही दे देना। नहीं, मैं पूरी की पूरी दूंगी। आई मीन पेमेंट। जी, आप तुम मेरी मदद करोगे सामान को ले जाने में? हाँ जी, जरूर मैम। मैडम, आप अकेले आई हो? मतलब आपके हस्बैंड, परिवार वगैरह वो सब नहीं आए क्या? मैं अकेली हूँ, शादी नहीं हुई है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी की मालकिन खुद हूँ। वैसे तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि शादीशुदा जिंदगी से ये जिंदगी बेहतर है। सामान यहाँ रख दूँ? हाँ हाँ, रख दो। अच्छा, चलता हूँ मैडम। अब रुको, एक बात बताओ, गाड़ी में शीशे में बार बार तुम मुझे क्यों देख रहे थे? रास्ता। रास्ता? वो रास्ता जो हम पीछे छोड़ आए थे, क्यों देख रहे थे? नहीं, वैसी वैसी देख रहा था। रास्ता नहीं, तुम मेरे पहाड़ को देख रहे थे। पहाड़? क्या मतलब, ये क्या बोल रहे मैम? अपने लिए ना सही, कम से कम इसके खातिर तो झूठ मत बोलो। आ,
और फिर मैं इतनी खुदगर्ज तो हो नहीं सकती कि उसके अरमानों पर पानी फेर दूं। इतना तो मैं समझ चुकी थी कि शुरुआत वो कर नहीं सकता, इसलिए शुरुआत मुझे ही करनी थी। सवाल उसके अरमानों का जो था,